the Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। तो क्या 2 रुपए में सारा जंगल खरीदने निकले थे आप? देखो मियाँ, अब बहुत हो गया, आप यहाँ से रवानगी दे दो, नहीं तो मेरा नाम सुरमा भोपाली है। फिल्म शोले के इस डायलॉग ने एक्टर जगदीप को फिल्मी दुनिया में न केवल सुरमा भोपाली के रूप में स्थापित किया, बल्कि 1975 में भोपाल का नाम भी देश दुनिया में लोगों की जुबान पर चर्चा में ला दिया। जगदीप का 81 वर्ष की उम्र में बुधवार को मुंबई में निधन हो गया, लेकिन वे सुरमा भोपाली के किरदार में बातचीत के भोपाली स्टाइल और कल्चर को अमर कर गए। इस फिल्म के बाद जब भी भोपाल का जिक्र आता है तो लोग सुरमा भोपाली की बातचीत का भोपाली लहजा और भोपालियों के पान खाने की आदत की बात करते हैं। ये डायलॉग याद किए जाते हैं, अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे, भोपाल होता तो हम वैसे ही आपको 2 मिनट में अंदर करवा देते, हमारा नाम सुरमा भोपाली है। फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के किरदार को स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने रचा था। जावेद ने भोपाल के सैफिया कॉलेज में एक शख्स को देखकर यह किरदार गढ़ा था। उस असली सुरमा भोपाली का नाम नाहर सिंह बघेल था, जिनका 1979 में निधन हो चुका है। पुराने भोपाल में बने सैफिया कॉलेज में पढ़ाई करने वाले ये असली सुरमा भोपाली नाहर सिंह थे, जिन्हें लोग काले मामा भी कहते थे। शहर के इतिहासकार डॉक्टर आलोक गुप्ता बताते हैं कि वे न केवल गाने के शौकीन थे बल्कि झगड़ालू भी बहुत थे। उनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था और आंखों में पतला सा सुरमा, इसलिए दोस्त उन्हें सुरमा भोपाली कहने लगे थे। डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि जब फिल्म शोले रिलीज हुई तो बिना अनुमति अपने नाम का किरदार फिल्म में देखकर नाहर काफ़ी नाराज हुए थे। नाहर का कहना था कि जगदीप का किरदार मुझसे प्रेरित है। उन्होंने फिल्म के लेखक जावेद अख्तर को इस बाबत मानहानि का कानूनी नोटिस भी भेजा था, हालांकि बाद में उन्होंने केस को आगे नहीं बढ़ाया। फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी वालेन सिंह बालू ने बताया कि जगदीप साहब ने अपने किरदार के माध्यम से भोपाल की जुबान में पूरे विश्व में पहचान दी। वहीं अगली खबर, कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की मौत के जिम्मेदार 5 लाख का इनामी कुख्यात विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया है। कई दर्जन टीमें उसकी गिरफ्तारी में लगी हुई थी, लेकिन वह लगातार चकमा दे रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस अब विकास दुबे को यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले एक तस्वीर सामने आई है जो सवालों के घेरे में है। विकास दुबे की एक तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विकास दुबे को किसी तरह का खौफ नहीं है। जिसके पीछे 40 थानों की पुलिस पड़ी थी, वह तस्वीर मंदिर में बड़े सहज से तरीके से टहलता नजर आ रहा है, जो इधर उधर घूम रहा था। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर पहुँचने के बाद अपनी पोल खुद खोली। सूत्रों से पता चला है कि विकास ने मंदिर में जाने के बाद चिल्ला चिल्ला कर कहा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। इसके बाद ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर तुरंत हरकत में आई पुलिस टीम ने मंदिर से विकास को दबोच लिया। विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उसकी माँ की प्रतिक्रिया आई है। विकास दुबे की माँ सरला दुबे ने कहा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास हर साल जाता था, सरकार जो उचित समझे वो करे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इस समय वो भाजपा में तो है नहीं, समाजवादी पार्टी में है। सरला देवी, विकास दुबे की मां, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रियों और बीजेपी नेताओं का दावा है कि विकास दुबे उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लेकर पहुँचा था। सवाल यह है कि जिस विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून डाला, डिप्टी एसपी को बेरहमी से मार डाला, उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया, उस विकास दुबे को मंदिर के गार्ड ने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? सवाल यह भी है कि आखिर विकास रातों रात फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया? विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं कि सरकार साफ करे कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है या फिर उसे सरेंडर किया है। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की न्यायिक जांच की मांग की है।
साथ ही उन्होंने कहा कि इस कुख्यात गैंगस्टर ने किस किस नेता पुलिसकर्मियों से संपर्क हैं इसकी जांच होनी चाहिए। विकास दुबे को न्यायिक हिरासत में रखते हुए इसकी पुख्ता सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि सारे राज सामने आ सके। मैं शिवराज जी से विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की न्यायिक जांच की मांग करता हूं। वहीं विकास दुबे की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कानपुर हत्याकांड मामले में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करा सभी तथ्यों का प्रोटेक्शन के तत्कालुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। वहीं यूपी एसटीएफ कमांडो दस्ते के साथ मध्य प्रदेश रवाना हो गई है। यूपी कांग्रेस की ओर से गुरुवार को ट्वीट कर नरोत्तम मिश्रा और कानपुर के कनेक्शन को दिखाया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी थे और अब वो उज्जैन के प्रभारी हैं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा का ही बयान सामने आया था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, हमारी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है, विकास को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि विकास शुभम नाम से फर्जी दस्तावेजों के साथ मंदिर में प्रवेश किया था। अभी शाम 4:30 बजे तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं बता रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन में कहां रखा गया है। वहीं अगली खबर, चीन के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों खासकर मुस्लिम महिलाओं की हो रही प्रताड़ना का मामला जोरदार तरीके से संयुक्त राष्ट्र के सामने उठाया गया है। सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने यूएन में एक नई रिपोर्ट पेश की है जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया गया है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि शी जिनपिंग की सरकार मुस्लिम महिलाओं और जवान मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक बलात्कार करवा रही है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र से पूर्वी तुर्किस्तान में निष्पक्ष जांच की कराने की और वहां हो रहे नरसंहार को औपचारिक तौर पर नरसंहार घोषित करने की मांग की गई है। चीन के उइगर, तुर्क और दूसरे मुसलमान समुदायों ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गुहार लगाई है कि उइगर मुसलमानों के खिलाफ जारी नरसंहार की गतिविधियों से के खिलाफ चीन पर दबाव बनाया जाए और उनकी जांच करवाएं। चीन में उइगर मुसलमानों की स्थितियों को उजागर करने वाली संस्था कैंपेन फॉर उइगर ने पूर्वी तुर्किस्तान में नरसंहार के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन घटनाओं की लिस्ट दी गई है कि चीन सरकार उइगरों के साथ किस तरह से अत्याचार कर रही है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद चीन की सरकार अपनी सियासी और आर्थिक हितों के लिए उइगरों और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी प्रताड़ना जारी रखी है। यहाँ उनको अपने मजहब इस्लाम का पालन करने तक की मनाही है। मस्जिदों पर अरबी में उनका नाम तक लिखना मना है। कुरान को भी अरबी में पढ़ना मना है। मुसलमानों के लिए भी उसे भी कम्युनिस्ट सरकार चीनी भाषा में अलग से छपवाती है। इस अत्याचार को लेकर चीन के उइगर समुदाय के लोग अमेरिका में चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि चीन सरकार ने उइगरों की रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए 11 लाख हॉन चाइनीज कैडरों को पूर्वी तुर्किस्तान भेजा है। उनका काम है कि वे उइगरों के घरों में रहें, जरूरी हो तो उनके साथ बिस्तर भी साझा करें और उनकी जिंदगी के हर पहलुओं पर कब्जा कर लें। इतना ही नहीं, चीन सरकार की ओर से शुरू किए गए डबल रिलेटिव प्रोग्राम के तहत हॉन चाइनीज कैडर हर 2 महीने में कम से कम एक बार उनके पास पहुँचते हैं और 1 हफ्ते तक ठहरते हैं। उनके पास ठहरने के दौरान वे लगातार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उइगरों की खुफियागिरी भी करते हैं। इस प्रवास के दौरान वे शराब पीने और सुअर का मीट खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है। अगर उइगर बाजार से हलाल मीट लाने के लिए कहते हैं और पीते नहीं हैं तो उन्हें संदिग्ध घोषित कर दिया जाता है और कैंपों में भेज दिया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उइगर मुसलमानों के पारिवारिक ढांचे को बिगाड़ने के लिए चीन का प्रशासन हॉन चाइनीज को पैसे, जॉब और वहां पर एजेंट मैरिज करने के लिए मुफ्त में घर भी देता है।
रिपोर्ट में सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है कि चाइनीज सरकार की इस प्रताड़ना का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और खासकर जवान लड़कियां बन रही हैं। कैंप ने फॉर उइगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूसन अब्बास के मुताबिक तो वहां पर सरकार प्रायोजित सामूहिक बलात्कार चला रही है। रिपोर्ट कहता है कि चीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने किए गए नरसंहार की रोकथाम करार का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट में यह भी कहता है कि इन अपराधों के लिए रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शिंजियान उइगर ऑटोनॉमस रीजन के सचिव चेन क्वांगनो ने और बाकी सारे अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। वहीं अगली खबर, चीनी रिटेलर ने मुस्लिम प्रार्थना पत्रों को सजावटी आसनों के रूप में बेचा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चीन के इस रिटेल कंपनी के प्रति लोगों ने गुस्सा और नाराजगी जाहिर किया है। इंस्टाग्राम पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में ब्रांड ने कहा, हम उन सभी के लिए अपनी ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं जिसने हमें आहत और नाराज हैं। उपयोगकर्ताओं ने अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रांड के कार्य अस्वीकार्य और अत्यधिक आक्रामक हैं। निर्माता पवित्र नमाज को फूलों की छटनी कालीन के रूप में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। कपड़ों के ब्रांड के अत्यधिक असंवेदनशील निरीक्षण के लिए माफ़ी मांगी और अपने ग्राहकों को सूचित किया कि उत्पाद को तुरंत अपनी वेबसाइट से हटा दिया गया था और अन्य विक्रेताओं को भी निर्देश दिए गए थे कि वे दूसरों को उत्पाद बेचना बंद करें। हमने अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को के कर्मचारियों के साथ एक उत्पाद समीक्षा समिति का गठन किया है ताकि गलती दोबारा ना हो। इसके अलावा कंपनी ने विभिन्न सांस्कृतिक धर्मों और परंपराओं पर खुद को शिक्षित करने में बहुत बेहतर काम करने की कसम खाई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके विविध समुदाय का सम्मान और सम्मान किया जाता है। सहभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद द डॉन एक्सप्रेस।